तो भाई फाइनली सीएम पंकज सर्वाइवर सीरीज का प्लान रिवील हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, और ये कोई नॉर्मल प्लान नहीं बल्कि चैंपियनशिप को लेकर है। तो भाई इस पर तो अभी हम बात करेंगे, लेकिन अब ये क्या ड्रामा चल रहा है भाई ब्रॉक लेसनर को लेकर, मतलब कुछ भी। कल वाली वीडियो में मैंने आपको इसके पीछे का रीजन बताया था कि आखिर क्यों WWE बार बार इनको मेंशन करवा रही है शो पर, लेकिन इसी के बाद ही रिपोर्ट तक आ जाती है रेसल वोट की तरफ से कि WWE ना इंटरेस्टेड है भाई ब्रॉक लेसनर को लाने के लिए, बल्कि दोनों पार्टीज के बीच में भाई बातचीत भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यानी ब्रॉक लेसनर को लेकर WWE ने टॉक करना शुरू कर दिया है, और इस पर फिर काफी ज्यादा रिपोर्ट भी आती है कि इनका रिटर्न अब तो होने वाला है। लेकिन उसी के बाद फाइटफुल की तरफ से ये पता चलता है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो भी रिपोर्ट आई है ना कि WWE ब्रॉक लेसनर के साथ बातचीत में, वो सब गलत है और इसको काफी हाई लेवल तक डिनाई किया गया है, और इनके लिए भाई कोई भी क्रिएटिव प्लान नहीं है। जैसे पहले इनकी सिचुएशन थी वैसे आज भी है ये। यानी दोस्तों पहले रिपोर्ट्स आती है कि WWE इंटरेस्टेड है ब्रॉक लेसनर को लाने के लिए, लेकिन इसके बाद ये पता चलता है कि इनका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं भाई इनको लाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ना दो बातें हो सकती हैं, पहला कि अभी भी ब्रॉक लेसनर इनोसेंट प्रूफ हुए नहीं होंगे, और दूसरा WWE इस प्लान को ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट रखने की कोशिश कर रही है ताकि प्लान रिवील ना हो जाए, और CM Punk के भी केस में यही था। तो भाई इस वक्त ना सिचुएशन 50-50 की हो चुकी है, और वैसे भी ये WWE का टेस्ट है भाई कि आखिर फैंस का इस पर रिएक्शन क्या आता है। और देखा जाए तो ये मिक्स रिएक्शन है, मतलब कुछ लोग एक्साइटेड है इनको देखने के लिए, और कुछ को तो भाई इनसे मतलब ही नहीं है। और अगर भाई ऐसा ही रहा ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ कोई इंजरी वाली सिचुएशन नहीं है बल्कि मैन के ना लॉस रूट का पार्ट है ये। तो भाई अभी की रिपोर्ट और स्पेकुलेशन को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि नियर फ्यूचर में तो ब्रॉक लेसनर का आना काफी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों अगर WWE हम फैंस के साथ गेम खेल रही है तो भाई एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं रॉयल नंबर तक की, कि वहीं पर इनका रिटर्न देखने को मिल सकता है। और वैसे भी दोस्तों अगर ये सब केस में इनका हाथ होता ना तो भाई ये कब का WWE रोस्टर से हट चुके होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन विंस मैकमैन के केस में ऐसा है, और इनका भाई कोई भी नामो निशान आपको नहीं मिलेगा WWE की वेबसाइट पर सिवाय मैकमैन टाइटल को छोड़कर, यानी विंस नाम का शब्द ही भाई गायब हो चुका है WWE की डिक्शनरी से। तो भाई यहाँ से तो ये क्लियर है कि WWE ना अभी भी टेस्टिंग कर रही है हम फैंस को लेकर, और जब राइट टाइम होगा तो हमको जरूर ब्रॉक लेसनर WWE में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं ये कब होता है। वैसे आपका इन सारी चीजों पर क्या रिएक्शन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अब हम बात करते हैं CM Punk को लेकर, जो कि बैड ब्लड के रॉ के बाद से भाई ये गैप है, यानी इनका रिटर्न कब होगा ये अभी भी अनक्लियर है। लेकिन रिसेंट में ना इनके सर्वाइवर सीरीज के प्लान को लेकर रिपोर्ट जरूर आई है, और इसमें ये क्लियर बताया गया कि WWE का नेक्स्ट प्लान है CM Punk के लिए द रिंग जनरल गुंथर। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, लेकिन वो सिर्फ रूमर्स और स्पेकुलेशन के बेस पर ही था। लेकिन भाई अब ये रिपोर्ट्स में ही क्लियर हो चुका है कि CM Punk वर्सेस गुंथर एट सर्वाइवर सीरीज। तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि CM Punk सर्वाइवर सीरीज में काम करने वाले, और वो भी गुंथर के साथ, और ये कोई नॉर्मल मैच नहीं बल्कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को लेकर होगा। लेकिन मेन बात ये कि इनका रिटर्न कब होगा। तो दोस्तों अगर रिपोर्ट्स को देखा जाए तो इसके हिसाब से तो इनको क्राउन जूल के बाद देखा जा सकता है, जब गुंथर रॉ पर अपना प्रोमो कट करेंगे ना, और वहीं पर CM Punk का रिटर्न होगा, फिर वहीं से इनकी स्टोरी लाइन की शुरुआत भी हो जाएगी, क्योंकि क्राउन जूल के बाद सर्वाइवर सीरीज को ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो इसलिए ना चीजें को थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। दोस्तों अब देखते हैं कैसे WWE इनकी स्टोरी लाइन को लेकर चलती है। वैसे भाई माइक स्किल को लेकर CM Punk तो जान ही जाते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ गुंथर भाई, इन्होंने काफी ज्यादा अपनी माइक स्किल को इम्प्रूव किया है। तो भाई ये दोनों ही लोगों के एक्सचेंज वर्ड्स को सुनना ही तो भाई काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसके लिए तो मुझे वेट नहीं हो रहा है। खैर दोस्तों, वैसे आपका इस पर क्या रिएक्शन है CM Punk वर्सेस गुंथर को लेकर हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी WWE की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।